मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भी अपने आवास पर परिवारजनों के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान पतंगबाजी के साथ जमकर नाच गाना किया गया। ज्योति खंडेलवाल के आवास पर जायजा लिया सहयोगी तृप्ति गौतम ने। मकर संक्रांति का आज पर्व है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरा देश कह सकते हैं और हमारी छोटी काशी जयपुर इसको मना रही है। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो पर्व मनाया जाता है वो मनाया जाता है सिटी में, यानी जो हमारा परकोटा है, नाहरगढ़ रोड है, ये जो जगह है, चांदपुल वगैरह, यहाँ पे जो क्रेज़ होता है काइट्स का, पतंगबाजी का, जयपुराइट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर पतंगबाजी जो है वो करते हैं। और इसी को लेकर हम ज्योति खंडेलवाल जी के घर पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका जो आज का त्यौहार रहा है वो किस तरीके का रहा है। मकर संक्रांति का त्यौहार निश्चित रूप से बहुत उल्लास का त्यौहार होता है। ये एक हमारी आजकल ऐसी संस्कृति में भी देखने में आता है कि आप पड़ोस पड़ोस में भी कौन रहता है उसको नहीं जानते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सब छत पे होते हैं। आप देखेंगे बच्चे भी इधर से उधर आपस में एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। ये वॉल सिटी की संक्रांति की खास बात है। सब धर्म संस्कृति जाति से ऊपर उठ करके लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके पतंगे उड़ाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, रोशनी करते हैं। लेकिन मैं एक मैसेज और भी देना चाहूँगी कि सुबह और शाम एक एक घंटा हम जो हैं पतंगे थोड़ी सी कम रखें, अपनी नहीं उड़ाएं, तो जो पक्षी जो घर लौटेंगे शाम को उन्हें कम से कम जो है परेशानी होगी, घायल नहीं होंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे पंछी घायल हो जाते हैं। यहाँ किशनपुर बाज़ार में भी जो है वो एक बर्ड का हॉस्पिटल बना रखा है। ऐसी जगह जगह रामनेस गार्डन के बाहर भी बर्ड का हॉस्पिटल बना है। अगर कोई पक्षी घायल हो जाता है उसे वहाँ तक पहुँचाएँ और सुबह और शाम के टाइम पर थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, तो निश्चित रूप से हम भी इंजॉय करेंगे और ये पक्षी भी इंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल सर, पतंगबाजी को लेकर आप तो सुबह से आनंद ले ही रहे हैं, उसके अलावा आज आपके क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ और आपने आज सोचा है? देखिए आज तो दिन भर पतंगबाजी का ही है, निश्चित रूप से सुबह से है। आज ये जरूर है कि दोपहर का एक दो घंटा जो हमारा बिल्कुल पतंगबाजी में थोड़ा सा ख़राब हुआ और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि हवा नहीं चल रही, उससे ज़रूर थोड़ा इसमें रुकावट आई। बाकी अब शाम को पतंगबाजी और मित्र वगैरह भी घर आएंगे, उनके साथ पतंगबाजी भी करेंगे और शाम को शानदार आतिशबाजी करेंगे। क्योंकि जयपुर में दीपावली से ज़्यादा अगर आतिशबाजी देखनी है तो परकोटे की देखनी चाहिए संक्रांति के दिन, और वो हर व्यक्ति छत पर रहता है और शानदार आतिशबाजी का नज़ारा देखने को हमें मिलता है। और ये हम थे ज्योति खंडेलवाल जी के घर पे, कैमरा पर्सन यश के साथ में मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान।